कटनी में 15 वर्षों से अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध फल और सब्जी मंडी चल रही है। अब नगर निगम इसे अवैध बता रहा है। इससे जाहिर होता है कि व्यापारियों के द्वारा सरकार को मंडी टैक्स के करोड़ रुपए की चोरी अब तक की। पुरैनी में संचालित सब्जी एवं फल मंडी को अवैध तरीके से चलने का नगर निगम ने पत्र जारी कर उल्लेख कर दिया है। ये थोक सब्जी व फल मंडी विगत 15 सालों से निरंतर चलती आ रही है और यह मंडी हर तरह के कर से मुक्त बताकर चलाई जा रही थी। समाजसेवी संस्था महाकाल सरकार सेवा समिति के द्वारा आयुक्त नगर निगम को शिकायत की गई थी। नगर निगम ने एक पत्र के माध्यम से उल्लेख किया कि इस मंडी को चलाने के लिए कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। इसमें आप समझ सकते हैं कि 15 वर्षों से लगातार सरकार को मंडी टैक्स की करोड़ों रुपए की चोरी हो रही थी, जबकि वहां पर आने वाले थोक व्यापारियों की गाड़ी में बकायदा रसीद के माध्यम से पैसे की वसूली एवं सब्जी और फल लाने की देख रेख करने के नाम पर पैसा लिया जा रहा था। यह पैसा कहाँ जमा किया जा रहा था फिलहाल यह तो भगवान ही जाने, या फिर वे सब जो ये कर रहे थे। हम लोगों को जानकारी मिली थी कि जो ये पुरैनी में सब्जी मंडी है, फल सब्जी और थोक वाली ये सब्जी मंडी है, इसमें अवैध तरीके से ये संचालित की जा रही है। और इस विषय में हम लोगों को आज से एक डेढ़ साल पहले जानकारी मिली थी। तो अभी उसमें हम लोग प्रक्रिया में लगे थे। उसके बाद अभी 2 महीना पहले हमने पत्राचार के माध्यम से ये पूरी खबर प्रशासन के संज्ञान में लाई कि इसमें प्रशासन को हर प्रकार से टैक्स जो वसूला जाता है उसमें उस मंडी के द्वारा टोटल 1 रुपये का टैक्स नहीं दिया जाता है प्रशासन को, जिसमें प्रशासन को कई करोड़ों का जो है नुकसान हो चुका है। आज से 10 से 15 साल से जो मंडी चल रही है, हर प्रकार के वहां से टैक्स वसूले जाते हैं व्यापारियों सभी से, किंतु शासन प्रशासन को किसी प्रकार से कोई टैक्स नहीं दिया जाता है। नगर निगम के कमिश्नर सत्येंद्र धाकरे ने बताया कि वो निजी मंडी है, उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है। इस बयान के बाद कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं, फिर भी नगर निगम पत्र क्यों जारी कर रहा है और कार्रवाई करने की बात क्यों कर रहा है। फिलहाल इस तरह के से चलने वाली मंडियों को जिला प्रशासन और नगर निगम कब बंद करा पाएगा ये तो कहा नहीं जा सकता। सब्जी मंडी संचालित करने की यहाँ तक बात है, बाजार स्थापना के लिए संबंधित लोगों का आवेदन आया था जिसको कि इस कार्यालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है और शीघ्र ही उसको बंद करने की कार्रवाई की नगर निगम मंडी प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ मिलकर करेगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।